ये बात सच है कि हम लोग एक अच्छे दौर से नहीं गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस से हमारा देश ही नहीं पूरी दुनिया प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे डेली वेज वर्कर्स, जो देश के अलग अलग कोने से आते हैं रोजगार के लिए, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल सके। गिव इंडिया, एक्शन एड और हेलो लाया है मैं भी कोविड वॉरियर, एक इनिशिएटिव जिसमें हम सब साथ आए और कोविड 19 से लड़े। सो जॉइन द कॉज एंड सपोर्ट आवर डेली वेज वर्कर्स। जय हिंद। तीखी सांस के मीठे बोल। मानसी की सास रजनी उसे हर वक्त परेशान करती, किसी न किसी बहाने उसे काम में ही उलझा कर रखती थी। वो जितना भी अच्छा काम कर ले उसे बातें ही सुननी पड़ती। एक दिन, बहू कहाँ मर गई, कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ, चाय की एक प्याली भी नहीं मिली, न जाने सुबह से क्या करती रहती है। तभी बहू चाय के साथ गर्मा गर्म नाश्ता लेकर आती है। ये लीजिए माँ जी। हे भगवान, ये तो चाहती है कि मैं मर जाऊँ, तभी तो ये भारी सा नाश्ता सुबह सुबह ले आई। खा खा कर मैं मोटी हो जाऊँ और बीमारी मुझे घेर ले और फिर पूरा घर तू हड़प ले। अरे माँ जी, शुभ शुभ बोलो, मरे आपके दुश्मन, न खाना है तो वापस ले जाती हूँ, बातें इतनी तो ना बढ़ाओ। ठीक है चलो जाओ यहाँ से, कोशिश करती हूँ थोड़ा बहुत खा लूँ। बहू प्लेट देकर निकल जाती है, लेकिन दरवाजे के पीछे छुपकर देखती है जहाँ सास चटकारे लेकर खा रही होती है। वाह भाई, मज़ा आ गया। गर्मा गर्म नाश्ता, भूख भी बहुत लगी थी। और वो सारा नाश्ता चट कर जाती है। दोपहर में सास एक बार फिर से चिल्लाती है, अरे बहू कुछ खाने को नहीं बनाया, क्या चाहती है तू कि मैं भूखी ही मर जाऊं? अरे कहां मर गई तू? जिंदा हूँ माँ जी। और बहू प्लेट में खिचड़ी लेकर आती है। अरे ये खाना कौन खाएगा, खिचड़ी भी कोई खाने की चीज है। माँ जी आपको डॉक्टर ने यही खाने को कहा है। हाँ हाँ, तू बड़ी मेरी माँ बनी है, अरे नहीं खाऊंगी मैं, ले जा यहाँ से। देखिए माँ जी, यही है खाने में और कुछ नहीं, इसे तो खाना ही पड़ेगा। और हाँ, मुझे अब कपड़े भी धोने हैं, मैं चलती हूँ। बहू के जाने के बाद सास खिचड़ी खा लेती है और सो जाती है। शाम को, आज दिन में हल्का खाना खाया तो शरीर बड़ा ही रिलैक्स लग रहा है, चलो शाम की वॉक ही कराती हूँ। सासुमा पार्क में जाती है जहाँ और भी औरतें होती हैं, सभी साथ बैठकर अपनी अपनी बहू की बुराई कर रही होती हैं। अरे मेरी बहू ने तो जीना हराम कर दिया है, कभी दोपहर का खाना शाम को देती है तो सुबह की चाय दोपहर में, मन तो करता है निकाल दूं घर से उसे। अरे मेरी बहू का क्या बताए, करमजली को पता है कि डॉक्टर ने मुझे चीनी और नमक कम खाने को कहा है, लेकिन जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है कि मैं खा ही ना पाऊं। अरे मेरी बहू के तो क्या कहने, हर बात का जवाब, हर बात में लड़ाई, एक घर में रहती है लेकिन लगता है कि कोई दूसरे घर में रह रही हूँ, अपना ही घर काटने को दौड़ता है। शांत बैठी रजनी सब सुन रही होती है, तभी एक बुढ़िया उसे कहती है, अरे क्या हुआ रजनी बहन, सब ठीक तो है? रजनी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। रजनी घर आती है कि तभी मानसी हाथ में छाछ का ग्लास लेकर आती है। कहाँ गई थी माँ जी आप, कितनी देर लगा दी, मोबाइल साथ ले जाया करिए अगर कहीं जाए तो, सबको चिंता हो रही थी। हाँ ये लीजिए, छाछ पी लीजिए, पेट ठंडा रहेगा। रजनी कुछ सोचती है फिर जोर से चिल्लाती है, हाँ हाँ तू तो यही कहना चाहती है ना कि मेरा भेजा गरम रहता है, अरे तू ही पी ले ये छाछ। इतना बोलते हुए सास पूरी छाछ पी जाती है। एक दिन रजनी की बहू रोते हुए घर आती है। अरे क्या हुआ? तभी घर की घंटी बजती है, पड़ोस की एक औरत घर में आती है और रजनी से कहती है, अरे रजनी बहन, अब मैं समझ सकती हूँ कि तुम हमेशा अपनी बहू को क्यों खरी खोटी सुनाती हो,
बहुत ही गवार बहू है तुम्हारी। तुम तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दो, देखो तो जरा कैसे मेरे ऊपर सारा पानी गिरा दिया। माँ जी, मैं तो बस बालकनी में कपड़े सुखाने गई थी, ध्यान नहीं दिया कि नीचे चाची खड़ी है। हाँ हाँ, तू क्यों ध्यान देगी, ध्यान देती ना तो रोज रोज सास की गालियां ना खा रही होती। तभी मानसी की सास मानसी की तरफ देखकर उसे डांटती है। अरे बेवकूफ, कोई काम ठीक से नहीं कर सकती है, सिर्फ पानी डालने की क्या जरूरत थी, ऐसी औरतों पर तो बाल्टी मारना चाहिए था। मानसी सास की बात सुनकर हैरान हो जाती है। तभी सास पड़ोसन से कहती है, वो मेरी बहू है, मैं उसे डांट लगाऊं या गालियां तुझे क्या मतलब, और हाँ मेरी बहू को गवार कहा ना तो तेरी खाट खड़ी कर दूंगी, चल निकल यहाँ से और दोबारा लौट कर मत आना वरना डंडे से मारूंगी। पड़ोसन के जाने के बाद, और तू यहाँ क्या खड़ी है, जा जाकर मेरे लिए अच्छा सा नाश्ता बना कर ला। मानसी वहां से चली जाती है। शिक्षा, बोल भले ही कड़वे हो, रिश्ते में मिठास होनी चाहिए।